तो भाई कल की मूवी से एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हमें मेकर्स ने दिखा दिया है। और भाई ये जो वीडियो हमें दिखाई गई है इसका बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। बिल्कुल आज का टाइम और महाभारत का टाइम इन दोनों को मिक्स करके दिखाया गया है वीडियो में, जो कि भाई बहुत सही लग रहा है। और भाई जिस तरह से अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को डीएज करके महाभारत के टाइम वाले अश्वत्थामा को दिखाया गया है ना भाई, बहुत सही भाई, मजा आ गया। ये होता है बिल्कुल करेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब भाई इस वीडियो के बाद कल की से उम्मीदें भी ज्यादा बढ़ गई है, साथ में मूवी की हाइप को भी बढ़ा दिया है इस वीडियो ने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो भाई इस वीडियो में हमें बहुत सारी हिडन डिटेल्स देखने को मिली है, और आज हम इस छोटे से इंट्रोडक्शन वीडियो की हिडन डिटेल्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहली डिटेल आती है कि हमें वीडियो की शुरुआत में ही अश्वत्थामा एक शिवलिंग की पूजा करते हुए दिख रहे हैं। वो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अश्वत्थामा एक शिव भक्त है, और कहा यह जाता है कि अश्वत्थामा भी शिव जी के ही एक अवतार है, इसीलिए वो इतने पावरफुल और एक लेजेंडरी वॉरियर है। अगली डिटेल आती है जिस सीन में हमें महाभारत वाले अश्वत्थामा दिखाए गए हैं उस वक्त उनके एक्सप्रेशन थोड़े गिल्टी वाले लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा ने वॉर के रूल्स को तोड़ा था महाभारत के टाइम पे, और इसीलिए उनके सर से उस प्रीशियस स्टोन को निकाल दिया गया था, और फिर जाकर श्री कृष्ण जी ने उनको कर्स कर दिया था। तो ये जो वीडियो में हमें सीन दिखाया गया है, इस चीज को ऐसा ना समझो कि हमें मूवी में महाभारत भी दिखाई जाएगी, बल्कि ये सीन उस प्रीशियस स्टोन की स्टोरी होगी। अगली डिटेल आती है कि वो बच्चा कहता है यू फाइट ऑसम दोज रेडर्स शॉट यू, जिसका मतलब ये है कि मूवी में जब हमें अश्वत्थामा को दिखाया जाएगा, यानी कि उनका जब इंट्रोडक्शन होगा मूवी में, तो वो इंट्रोडक्शन एक फाइट के साथ होने वाला है, तभी जाकर वो बच्चा अश्वत्थामा से मिल पाया होगा। अगली डिटेल आती है कि जिस जगह पे हमें ये पूरा सीन दिखाया गया है वो एक टेम्पल है, जहाँ पर हमें कुछ ब्राह्मणों की मूर्तियां भी दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा खुद भी एक ब्राह्मण ही थे, और मुझे लग रहा है कि भाई इन मूर्तियों का कुछ ना कुछ तगड़ा सीन होने वाला है, क्योंकि ये मूर्तियां अलग अलग पोजीशंस की है। अगली डिटेल आती है कि जिस शिवलिंग पे हमें बूंद बूंद कर पानी गिरता हुआ दिख रहा था, वो बूंद गिरना एक टाइम पे बंद हो जाती है, और अश्वत्थामा कहते हैं कि अब मेरा समय आ गया है। वो इसलिए क्योंकि मूवी के जो विलन है कली, वो सारे बेसिक ह्यूमन नीडेड रिसोर्सेज पे जैसे कि पानी पे कब्जा कर लेंगे, और इसीलिए अश्वत्थामा को पता चल जाता है कि फाइनल वॉर शुरू होने वाली है। अगली डिटेल आती है कि अश्वत्थामा अपने पास से एक पोटली निकालते हैं और उसके अंदर एक स्टोन रखा होता है, वो भी क्रैक स्टोन। तो भाई इस पत्थर के अंदर क्या हो सकता है? क्या अश्वत्थामा के सर पे जो मणि लगी हुई थी इस स्टोन के अंदर वही रखी हुई है? क्योंकि इससे अगले सीन में जब अश्वत्थामा अपने बारे में बता रहे होते हैं उस वक्त उनके सर पे वही मणि चमक रही होती है। लेकिन भाई हमें तो ये पता है कि श्री कृष्ण जी ने उस मणि की मदद से ही अर्जुन के ग्रैंडसन को जिंदा किया था, मतलब कि ये हो सकता है कि मूवी में उस मणि को हमें दिखाया जाए, वो भी बहुत अच्छे से, और इस फाइनल फाइट में अश्वत्थामा उस मणि का यूज करें। क्योंकि हमें ये तो पता है कि अश्वत्थामा इस मणि की मदद से ही उन्हें भूख या प्यास नहीं लगा करती थी, और इस मणि की वजह से ही वो हमेशा यंग रहते थे, और साथ में वो इमॉर्टल भी थे। तो क्या हमें ये मणि वापस से अश्वत्थामा को मिलते हुए दिखाई जाएगी, या फिर स्टोरी को यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा? ये सब हमें भाई मूवी में ही पता चलेगा। अगली डिटेल आती है कि वीडियो के एंड में वो बच्चा कहता है कि अश्व अंकल वेट फॉर मी, और स्क्रीन पे लिखा आता है कि वर्ल्ड वेट फॉर यू। तो क्या ये बच्चा ही बड़ा होकर कल्कि बनेगा? क्या ये बच्चा ही प्रभास का रोल प्ले करने वाला है बड़ा होकर? भाई पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि जिस तरह से मेकर्स ने हमें ये चीज दिखाई गई है उससे तो यही क्लियर होता है कि ये बच्चा ही कल्कि जाकर बनेगा, और इसकी ट्रेनिंग करवाएंगे खुद अश्वत्थामा। हालांकि हमें ये पता है कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि अवतार के ट्रेनर होने वाले हैं परशुराम जी। तो भाई ये थी कुछ हिडन डिटेल्स जो कि हमें इस छोटे से इंट्रोडक्शन वीडियो में देखने को मिली। भाई अश्वत्थामा और उनकी मणि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मूवी में, और जो भी हो भाई नाग अश्विन कुछ बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक और बेंचमार्क सेटिंग चीज हमें दिखाने वाले हैं। मैं तो इस वीडियो के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल की 28988 मूवी के लिए। तो दोस्तों डिटेल्स और भी है इस वीडियो में, और अगर आपने ध्यान दिया है किसी पे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।